इस वक्त हमें हवा महल क्षेत्र के चांदपोल हनुमान मंदिर में, ये वही हनुमान मंदिर है जहाँ पर जयपुर बम धमाकों में बाहर काफ़ी नुकसान हुआ था, लेकिन चमत्कारिक रूप से मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुँचा था। और राजस्थान का जो चुनावी माहौल है उस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं मंदिर के पुजारी श्री मनोज जी। मनोज जी, आपका स्वागत है प्रवास साक्षी पर। चुनावों का समय आता है तो नेताओं के मंदिरों के दौरे बढ़ जाते हैं। हम देख रहे हैं राहुल गांधी मंदिर जा रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मंदिर जा रहे हैं, आप इसको किस रूप में देखते हैं? सर, ये तो इसको किस रूप में बताएं, ये तो पार्टियों की वो है, बीजेपी तो है ही, अब राहुल गांधी भी अब जाने लग गए जी, तो अच्छी बात है। अच्छा, और आपके यहाँ भी मंदिर में अभी काफ़ी लोग आ रहे होंगे? हाँ, काफ़ी लोग आ रहे हैं, जो भी हमारे आसपास के क्षेत्र के हैं, करीब करीब कांग्रेस बीजेपी निर्दलीय सभी नेता यहाँ आते हैं, भगवान के ढोक करने, सबको कामनाएँ हैं। जी जी जी, देखो क्या होता है। लेकिन एक आपको अपना आकलन क्या है कि कौन इस बार जीत रहा है? आकलन मेरे हिसाब से तो बीजेपी आनी चाहिए राजस्थान में। बीजेपी आनी चाहिए जी, हिसाब से। और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमान जी को दलित कहा। आज मंगलवार भी हनुमान जी का दिन है, देख रहे हैं हम, बहुत भीड़ है। आपको लगता है कि वो बयान आने के बाद लोगों के मन में कुछ आक्रोश था? हाँ, बिल्कुल आक्रोश था, हमको भी थोड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि योगी जी ने अगर ऐसा कहा है तो गलत कहा है, क्योंकि भगवान तो ब्राह्मण जाति से थे जी, और भगवान को ऐसी जाति पाति में घसीटना भी नहीं चाहिए किसी, क्योंकि भगवान तो सबके हैं और सबके लिए हैं। या नेता नांगड़े इन्हीं की जरूरत नहीं है, नेताओं की जरूरत नहीं है, जो प्रत्येक नागरिक है उसको बाबा का आशीर्वाद अत्यंत जरूरी है। हर काम के लिए बाबा का आशीर्वाद अत्यंत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। नेता तो जो है मौके पधारते हैं, मतलब जब इनको जो जरूरत होती है और अपना क्या बोलते हैं स्वार्थ होता जब आते हैं, या निस्वार्थ आना जरूरी है और आशीर्वाद लेना जरूरी है। जी।